हेलो फैमिली, तो कैसे हो आप सब एंड हैप्पी तीज ऑल ऑफ़ यू। ये रहा मेरा तीज ब्लॉग जो आपको देखने को मिलेगा। इसमें पहले क्लिप में मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगी, तीज ब्लॉग का स्टार्टिंग मैं वहाँ से करूँगी। सुबह मैं उठे थे मैं और मम्मी 3 बजे नींबू चीनी पानी पीने के लिए। उसके बाद से उसी मतलब वहीं से मैं आप लोग को ब्लॉग दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लाइफस्टाइल ब्लॉग, मेकअप वीडियोस, कुकिंग ब्लॉग एंड डेली ब्लॉग, सब्सक्राइब कीजिए सुनेहास ब्लॉग को और साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन से सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ 3 बजे उठ के मैंने और मम्मी ने नींबू चीनी पानी पिया। ये देखिए मेरी मेहंदी, जो है वो मुझे मेहंदी लगाने नहीं आता, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इस हाथ में तो बहुत ढंग का मेहंदी लग गया नेट से देख करके। बहुत ही मैंने दिल से लगाया था। पीछे में अभी मेरे हस्बैंड को जब दिखाया ना ये मेहंदी, तो वो उनको तो भाई मैं अगर घटिया से घटिया भी तरीका से मेहंदी लगाऊंगा ना तो उनको तो बहुत अच्छा लगने ही वाला है। और चलो कोई बात नहीं, जिसके लिए मैंने मेहंदी लगाया उनको पसंद आया ना, इस हाथ का तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को जिनके लिए मैंने लगाया है उनको काफ़ी पसंद आया। मैंने दोनों हाथ में उनका नाम लिखा था। मैंने पिछले तीज में बाकी 2 वट सावित्री मैंने किया, उस सब में मैंने गोल्ड का ही नाक वाला पहना था। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं गोल्ड का नाक में नहीं पहनती हूँ। मैंने जो मीशो से मंगाया है मैं आप लोग को दिखाऊंगी, क्योंकि वो मैं आप लोग को हॉल में नहीं दिखा पाई थी क्योंकि वो मुझे लेट से रिसीव हुआ था और मैं चाहती भी थी कि मैं पहन के ही आप लोग को दिखाऊँ। तो मैं वो पहनने वाली हूँ। इसको मैं अभी ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पिछले तीज में पहना था, वट सावित्री में भी पहना था, डेट्स वाई। और ये मांग टीका है, मांग टीका भी इस बार मैं गोल्ड वाला नहीं पहनने वाली हूँ। मैंने जो आप लोग को हॉल में दिखाया था मैं वो वाला पहनने वाली हूँ, क्योंकि उस टाइप का ना मैंने बहुत दिन से नहीं पहना था। बहुत दिन से क्या, मैंने उस टाइप का पहना ही नहीं है, इसीलिए मैं ये रख रही हूँ। ये मेरी शादी का बिछिया है और ये 3 है, मतलब 3-3 का पेयर, और तीनों जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। ये देख सकते हैं तीनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। वो उस पैर का है, मतलब 3-3 है, आप किसी भी पैर पहनिए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ये बिछिया। मैं जो हूँ ना हमेशा ये कमरबंद पहनना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं इस बार जो है अच्छे से याद करके जो जो चीज़ मुझे पहनना है मैं सब रेडी रखी थी। ये कमरबंद भी मैं एकदम निकाल के रखी थी, इस बार तो मुझे ये पहनना ही पहनना है। हमारे में लहठी जो है वो पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है फेस्टिवल वगैरह में। तो यहाँ मम्मी मेरे रेड लहठी लेके आई है क्योंकि मेरी साड़ी इस बार भी रेड है, लास्ट ईयर भी रेड थी और इस बार भी रेड है। और मैं तो न्यूली मैरिड हूँ तो रेड कलर तो मतलब न्यूली मैरिड क्या, वो तो सब पे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मेकअप भी मैं थोड़ा, मेकअप तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं मेकअप जो हूँ वो मैं हमेशा करने से नहीं चुकती हूँ। रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली में, ना तेरा तू क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं, खुले ख्वाबों में जीते जीते बाबरे, मेरी सुबह भी तू यूं है ते तू यूं शाम है, इस जुबां ते कहीं नाम हो तेरा नाम है, मेरी सुबह भी तू यूं है ते इस जुबां ते कहीं नाम हो तेरा नाम है, गठ पुतली तेरी मैं जीवे मर्जी खेड़ लवी, तेरे लई लड़ जो रब ना लाजमा के देख लवी, तू हसदा है ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा, ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा, माहिया तू वा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स हम लोग डाला में सजा रहे हैं। और पापा जो है हर तीज में मम्मी के लिए ये गजरा बनवा के लाते हैं। मतलब कुछ भी भूल जाए पापा, लेकिन ये गजरा तो लाना भूलेंगे ही। और मम्मी हर तीज में बोलती है कि मत लाना, लेकिन पापा फिर भी गजरा लाते हैं। हर गम संग तेरे सेना जी, मैं ता तेरे नाल ही रहना जी। हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैंने। हमारी पूजा जो है वो थोड़ी लेट से हुई, क्योंकि मुझे रेडी होने में, फिर फोटोज क्लिक्स करने में, फिर रील्स बनाने में काफी टाइम लग गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे भगवान जी एकदम रेडी है और हम लोग भी रेडी हैं। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। हेलो फैमिली एंड हैप्पी तीज। मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली। और अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम 7:40 हुआ है। फोटो वगैरह लेने में, रेडी होने में थोड़ी लेट लग गई। और मम्मी भी नहा चुकी है, रेडी हो चुकी है। मम्मी से सर झुकाओ तो, मम्मी सर से नीचे करो ना। मम्मी का गजरा मैंने लगाया है, और गजरा पापा हर तीज में लेके आता है मम्मी के लिए। कुछ लेके आए चाहे नहीं लेके आए, गजरा जरूर लेके आता है। मैंने मेकअप कर लिया है, देख सकते हैं। और ये कांजीवरम साड़ी है, और ये रेडीमेड मीशो से जो मैंने मंगाया था। यहाँ पे आरती हो रहा है, रुकिए मैं दिखा। मैंने ये चीज़ अपने पहले भी ब्लॉग में बताया है, और अभी भी मैं बता रही हूँ कि हम जो है वो घर में हम लोग पंडित जी नहीं बुलाते हैं हरितालिका तीज में, क्योंकि मैं और मम्मी मिल करके ही पूजा कर लेते हैं। और पाठ जो है वो पिछले साल से मैं ही पढ़ती हूँ, उसके पहले तो मम्मी खुद पढ़ती थी, लेकिन पिछले साल से ही मैंने ये तीज का फेस्टिवल फर्स्ट था ना मेरा, स्टार्ट किया है मैंने, तो मैं ही अब पाठ करती हूँ, तो इसीलिए हम लोग पंडित जी को नहीं बुलाते हैं। खुशियों की थाली तीज आए हरियाली। ये है अब हरितालिका व्रत कथा, यही ना हिंदी वाला पढ़ेंगे ना। अब हम लोग व्रत, ये हरितालिका तीज वाला जो कथा होता है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। याद से सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है, और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है, मिले हे नाथ यदि आपके प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, योग कन्या रत्न किसी योग वर को दूं, भगवान विष्णु के समान योग वर पार्वती सदा विराजत करत है। आप लोगों ने देखा कि मैंने जो है वो पूजा कर लिया है। अब मैं हस्बैंड जी से वीडियो कॉल में बात करूंगी, और उसके बाद मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखाऊंगी, क्योंकि वो मुझे फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ, डेट्स वाई। और सबका फ़ोन आया था, दादा दादी का भी फ़ोन आया था, पूछ रहे थे कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पानी पी लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरा सेकेंड तीज है,
तो फर्स्ट बार में जो रूल लगता है ना वो लाइफ टाइम मतलब आप फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था, पूजा करने के बाद मैंने नींबू पानी पी लिया था, पर मैंने मम्मी को साथ बोला है कि मैं नींबू पानी नहीं पीऊँगी, जितना दिन चलता है बिना नींबू पानी का मैं चलाऊँगी, फुल टू निर्जला व्रत करने वाली हूँ। और अभी मैं ऐसे ही रहूँगी फिलहाल। ये मैंने हल्का वाला चुनरी लिया है, मैंने आप लोग को बताया था हल्का वाला चुनरी। कहाँ जा रही है? गेट पे फूल है, हल्का वाला चुनरी है, ये देख सकते हैं। और इसमें एक सिस्टम ख़राब गया था यहाँ का ना, लॉक अनलॉक करने का सिस्टम उल्टा था ये, तो मैं मुझे थोड़ा तिकड़मबाजी करना पड़ा। और अगर आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगा, वन मिनट, अगर आपको फोकस, हाँ, अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा हो, मेरा मेकअप अच्छा लगा हो, तो कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मेकअप लुक देखना है कि नहीं, तो वो मैं नेक्स्ट डे डाल दूँगी। पहले तो 30 ब्लॉग आएगा, थोड़ा पहले आएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अच्छा लगा हुआ तो कमेंट कीजिएगा, मैं मेकअप वाला डाल दूँगी वीडियो। और कल हम जब मैं सोमवारी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो जो भी फास्टिंग होता है तो वो मैं तोड़ती हूँ, क्या चीज़ से, मैगी खा के। तो कल भी मैगी, कल वैसे कहीं जाना भी है, कहाँ जाना है मैं आप लोग को बता दूँगी। तो थोड़ा सा मैं रील्स बना लेती हूँ, उसके बाद हस्बैंड को वीडियो कॉल करूँगी और फिर आप लोग को रिएक्शन दिखाऊँगी। जिनको नहीं पता है कि तीज जो है वो किस लिए किया जाता है, तो मैं बता देती हूँ, तीज जो है वो हस्बैंड जी के लिए किया जाता है। बहुत जगह मैंने सुना है कि अनमैरिड गर्ल्स भी करती है, पर मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने नहीं देखा है वैसे अनमैरिड गर्ल्स को जो करती है। तो लंबी एज के लिए करती है हस्बैंड की, मुझे हंसी इसलिए आ रहा ना क्योंकि मैं इस तरह की बातें नहीं करती, इसलिए तो दीर्घायु उम्र के लिए करती है, हेल्दी रहे, साथ में रहे, प्यार करे, थोड़ा बहुत नोक झोंक करे, इसीलिए क्या तीज किया जाता है। शिव पार्वती जी का पूजा होता है, गला बैठ गया, शिव पार्वती जी का पूजा होता है। तो चलिए ठीक है, मैं रील्स बना देती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। नज़दीक से देख सकते हैं आप, रील्स में रील्स मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम पे। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम पे लिंक, तो आप उसको मुझे फॉलो वहाँ कर लीजिएगा, तभी आपको जो है मेरा रील्स देखने को मिलेगा। आप आई मेकअप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने लाइट किया है, बिल्कुल लाइट किया है, और मैं सीख रही हूँ। वैसे वो मेकअप लुक बताइएगा, आपको देखना है कि नहीं देखना, देखना होगा तो कॉमेंट बताइएगा मुझे। ये तो तुमको दे दिए लाइफ टाइम गजरा, बहुत सुंदर, बहुत गॉर्जियसनेस ओवरलोडेड, ब्यूटीफुलनेस ओवरलोडेड, एक नंबर लग रहा है। मेरा कनिया बन गया, कनिया बेटा बन गया तुम, एकदम दुल्हन माफिक रेडी हुआ है, दुल्हन माफिक। पिछली बार भी रेट साड़ी था, एक बार रेट साड़ी। अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा का जवाब नहीं है, मेरा बेटा इक्वल टू जवाब नहीं, जबरदस्त। हो गया पूजा? यहाँ देखो ना कितना फैला है, इसको समेटने में दिमाग खराब होगा। मेरा बच्चा है, अभी हमको मोबाइल चार्ज में देना, फिर हमको रिलीज करना है। हम कब से यहाँ 6 बजे से बैठे हैं, मेरा बेटा कॉल करेगा, कैसे रेडी हुआ है थोड़ा देखें। मेरा बेटा तो आग लगा दिया, आग। ठीक है चलो, रेडी होते हैं। अब मैं इस तीज ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये मेकअप अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं मेकअप लुक शेयर करूँगी जरूर नेक्स्ट वीडियो में। और तीज की कुछ फोटोग्राफ्स मैं इस वीडियो में ऐड कर दे रही हूँ, तो एंजॉय कीजिए। मैं चली चेंज करने क्योंकि यहाँ टोटली मेश पड़ा हुआ है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय एंड हैप्पी तीज।